नमस्कार दोस्तों, आपके अपने वर्चुअल लैब चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, हम हर एक्टिविटी में कुछ ना कुछ साइंस के एक्सपेरिमेंट लेके आते हैं, लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी है जहाँ कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होता है, जहाँ कुछ हमें लैब में जो करते हैं ऐसी कोई चीज़ें नहीं करनी होती है। तो यहाँ ये भी एक्सपेरिमेंट एक कुछ ऐसा है जो उस टेक्स्ट में एक्टिविटी के तौर पर दिया गया है, तो हम इसको समझ लेते हैं। यहाँ हमें सिर्फ समझना है और कैलकुलेशन करना है, यहाँ हमें कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है। तो यहाँ एक ऑब्जेक्ट को हम अलग अलग हाइट से अगर फेंकें, 4 मीटर से, 3 मीटर से, 2 मीटर से और 1 मीटर से, तो इन दैट केस उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है और उसका जो एडिशन है, वो दोनों को इकट्ठा करके क्या होता है, कितना जूल होता है, टोटल एनर्जी प्राप्त कितनी हुई है, ये हमें नोट डाउन करना है और ये टेबल भरना है, कैलकुलेशन टेबल है ये हमारा। तो यहाँ ये तो सब ठीक है, लेकिन ये एक चीज़ हमें वी स्क्वायर दी गई है, तो यहाँ हमें वी ढूंढना होगा। तो वी आपको किस तरीके से ढूंढना पड़ेगा, इसका यहाँ फॉर्मूला हमने दिया है कि वी आपको ये इक्वेशन के हिसाब से ढूंढना पड़ेगा, और इसमें कौन कौन से लेटर क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं ये भी यहाँ दिया गया है। तो आपको सबसे पहले सबका वी कैलकुलेट करना है, कैलकुलेटर भी यहाँ दिया गया है, एक एक चीज़ अपने हाथों से कीजिए, आपके लिए टेबल तैयार है, आप यहाँ लिख भी सकते हैं, यहाँ आपके हाथों से आपको कैलकुलेशन करना है। ये देखिए, यहाँ आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका पूरा का पूरा कैलकुलेशन आपको करना है, और बाद में आपको अगर आंसर चाहिए तो आंसर हमने यहाँ दिया गया है, तो ये आंसर है। अब जो हमें समझना है वो ये है कि EP प्लस EK यानी कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो एडिशन होता है, जो उसको हम मिक्स करके एक कोई फिगर अगर लेते हैं तो वो क्या होता है, ऑलवेज कांस्टेंट होता है। ये देखिए, आपका ऑब्जेक्ट चाहे 4 मीटर से गिरा हो, चाहे 1 मीटर से गिरा हो, लेकिन जो एनर्जी प्राप्त होती है वो ऑलमोस्ट सब की सेम रहती है, ये कांस्टेंट रहता है। आपका जो जूल एनर्जी मिल गया वो कॉमन रहता है। तो बस यही पूरा का पूरा कैलकुलेशन आपको अपने हाथों से करना है और ये टेबल भरना है, लेकिन पहले से आंसर मत देख लीजिए। यहाँ ये जो इक्वेशन दिया है इससे आपको यहाँ वी डिराइव करना है, वी डिराइव करने के बाद आपको ये एम जी एच है, एम इंटू जी इंटू एच, तो उससे आपको पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी, और काइनेटिक एनर्जी आपको कैसे मिलेगी, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 से। तो बाद में वी स्क्वायर ढूंढ लेने के बाद, वी ढूंढ लेने के बाद आपको यहाँ ये सब कुछ करना है। तो दोस्तों दैट्स ऑल हियर, यहाँ इससे आगे कुछ हमें करना नहीं है, ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है। तो वी होप यू एन्जॉय द वीडियो, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट इंटरएक्टिविटी लेके हम बहुत जल्दी आ रहे हैं, तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए, थैंक यू वेरी मच।